मनाली NH3 के बीच रायसन के पास हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी दरकने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। पहाड़ी दरकने से सड़क पर भारी मलबा आ गया है, जिसके चलते सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। वहीं अब सड़क मार्ग को खोलने के लिए मशीनों को भेज दिया गया है और दोपहर तक सड़क मार्ग को खोल दिया जाएगा। गनीमत ये रही कि जब पहाड़ी से मलबा गिरना शुरू हुआ तो उस दौरान कोई भी वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। मिली जानकारी के अनुसार सुबह के समय जब लोग सड़क से गुजर रहे थे तो इस दौरान पहाड़ी से छोटे छोटे पत्थर गिरने शुरू हो गए। पत्थर गिरता देख वाहन चालकों ने अपने वाहनों को रोक दिया। तभी अचानक पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिरना शुरू हो गया, जिसके चलते सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बाधित हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और अब वाहनों को वाया नगर होते हुए कुल्लू और मनाली के लिए भेजा जा रहा है। बरसात के दिनों में इस पहाड़ी से मलबा जरूर गिरता था, लेकिन सूखे की स्थिति में पहाड़ी से मलबा गिरना चिंताजनक है। पंजाब के सीटीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।